हरियाणा बचाओ परिवर्तन लाओ साइकिल यात्रा का दूसरा चरण दूसरे दिन कालावाली से हुआ शुरू। तंवर को कालावाली में उमड़े जनसमूह ने दिया हरियाणा विजय का आशीर्वाद। इधर गर्मी के तेवर तलख, उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश से हरियाणा की सियासत गर्म। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दिशा निर्देश में प्रदेश में निकाली जा रही साइकिल यात्रा प्रदेश में बदलाव लेकर आएगी। ये यात्रा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीट कांग्रेस को जिताने और प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद रुकेगी। ये बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कालावाली से साइकिल यात्रा शुरू करने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश में नोटबंदी के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करके आम आदमी को मारने का काम किया गया है और धरना सेठों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह से GST लागू करके व्यापारियों की कमर तोड़ दी, महंगाई की मार से आम आदमी का गला घोंट दिया गया। रही सही कसर प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर हो रहे करोड़ों रुपयों के खर्च से पूरी हो रही है। डॉक्टर तंवर ने कहा कि देश और प्रदेश में जनता हाहाकार कर रही है, महंगाई, बिजली, पानी, सफाई, रोजगार का बुरा हाल है। पढ़े लिखे नौजवान चतुर्थ दर्जे की नौकरियां पाने के लिए भटक रहे हैं। पूरे प्रदेश की आंतरिक और लिंक सड़कें टूटी पड़ी हैं, उद्योग धंधे पलायन के कगार पर हैं और मुख्यमंत्री डूइंग ऑफ बिजनेस एज के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने साइकिल यात्रा को लेकर कहा कि इससे भाजपा खेमे में भाई और चिंता का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के हल्का प्रतिनिधि शीशपाल केहरवाला ने कहा कि इस बार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की जो लहर चल रही है, डॉक्टर तंवर के नेतृत्व में शुरू हुई साइकिल यात्रा भाजपा सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले के तमाम विधानसभा हलकों में कांग्रेस के प्रति एक अच्छा माहौल और उत्साह बना हुआ है। कालावाली से चानन सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। हरियाणा बचाओ परिवर्तन लाओ साइकिल यात्रा अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, हम लोगों ने किया है और ये इस बात के संकेत है कि 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी और वो सरकार किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, व्यापारी, उद्योग धंधे, हर व्यक्ति के लिए, कर्मचारी के लिए सोचेगी। समस्या हड़ताल भी शुरू है और हड़ताल पे जाने का कारण भी कि जो वायदे उनसे किए गए वो आज कोई वायदे पूरे नहीं हुए, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई है, ना किसान को आय उनकी दोगुनी हुई है, बल्कि जो पहले भाव मिलता था आज वो भी भाव उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों का या कर्मचारियों का या किसी भी वर्ग का आज सड़कों के ऊपर उतरना स्वाभाविक है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। एक पैसा घटता है और रुपयों में बढ़ता है, यही अच्छे दिनों की सरकार है और इसीलिए अच्छे दिनों का हाल इंडिया साइनिंग से बुरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी स्थिति हुई, मैं समझता हूँ कि उससे और बदतर होगी। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी 2 और 4 सीटों पर आ करके खड़ी हो जाए, मोदी जी को जितना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ना गंगा के लिए उन्होंने कुछ किया, ना वहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से भ्रष्टाचार है जगह जगह, वहाँ पर पुल गिर जाता है, दर्जनों लोग मारे जाते हैं, मोदी जी वहाँ पर जाते भी नहीं।